नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर लाइफ। बिहार विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और लगातार नेता अपना जनसंपर्क में जुट गए हैं। हम अभी हैं मौजूद जीरादेव विधानसभा क्षेत्र के हथौजी तकिया में, और हथौजी तकिया इस वक्त पहुंचे हुए हैं समाजसेवी श्रीनिवास यादव, जो जीरादेव विधानसभा से निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। उनसे पहले हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार अपना विधायक किस तरह से चुनना पसंद करिएगा। सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम रामाशीष प्रसाद हुआ। प्रसाद जी, आप किस तरह की विधायक इस बार देखना चाहते हैं? हम लोग तो श्रीनिवास यादव को देखना चाहते हैं। क्यों श्रीनिवास जी को? अरे, विकास के मुर्दे पर माने अच्छे काम कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, जगह हॉस्पिटल सब जगह इनका माने समाज की काम करते हैं, समाज की काम करते और भी ये लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। चचा अरुआ यहाँ के हैं, एक पहले जो विधायक रहे, विकास उकास भइल बा? कुछ नहीं, वाले रोड टूर के आ तो सब मूर्ति बनल सामान में जाइल जुगी है। तो आपके अरुआ कैसन विधायक चुने के चाहते हैं? अभी तो चुनत तनिक देखा चाहते हैं, यहाँ के हम देखे चाहते हैं श्रीनिवास यादव के। का है श्रीनिवास यादव के? इनका यहाँ के काम हम देखते हैं बढ़िया है। यहाँ के जब जब कहते हैं कि तब इनके सीमान आप लोग आइए, जो हमसे काम होगा, मदद होगा, हमसे आप मदद मांगिए, आप आके देखिए। लेकिन हम लोग दरकार नहीं पड़ा, हम लोग नहीं गए, लेकिन वहाँ के कह के गए बन के गए, हम आप लोग आइएगा हमारे पास, आप लोग का काम हम करेंगे, सुविधा का आसान करेंगे। हाँ ठीक। चचा रौरा कैसन विधायक चुने के चाहते नहीं अपन? अच्छा, काम करे वाला? हाँ। एक पहले जो विधायक रहे, काम हम कैलन बन की ना देख ले कहाँ के विधायक के रहे पहले नहीं के पता चल ठीक बा। तो और भी हमारे साथ हैं चचा, आप यहाँ पे हैं, आपके आपके क्षेत्र में लगातार नेता का जो है जनसंपर्क शुरू हो गया है, लेकिन आप लोग किस तरह के अभी विधायक चुनना चाहते? देखिए, हम वही विधायक चुनना चाहते हैं अच्छा, कि जिस तरह हम उनके आने पर इज्जत और संस्कार देते हैं, इनकलाब या कोई भी जिंदाबाद कहते हैं अच्छा, वो बात के ये पीछे मना रखे, ये चीज़ याद रखे, वो ये जगह है, हम आए थे, हमको लोग आशीर्वाद से गदगद किया या अच्छा से प्यार से बात किया, इस पर इन्होंने ध्यान देंगे, अल्लाह ताला कामयाब करेगा अच्छा, और ज़रूर हम उम्मीद रखते हैं कि हम लोग साथ रह के काम करेंगे। तो बिल्कुल, हमारे साथ श्रीनिवास यादव भी हैं, श्रीनिवास यादव लगातार जनसंपर्क में जुट गए हैं। हम सबसे पहले तो आप अपने अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उनको यहाँ कहेंगे कि दिखाइए खाली पैर, ये लगातार जनसंपर्क करना शुरू कर दिए हैं, आखिर इनका मुद्दा क्या है और ये किस मोमेंट से अपना लगातार जनता के बीच खाली पैरों से जा रहे हैं। हम इनसे ही रूबरू हो जाएंगे कि आखिरकार ये खाली पैर जो लगातार चल रहे हैं, पैर में फोड़े हो गए हैं श्रीनिवास जी, खाली पैर आप चल रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, हर इंसान का एक मन्नत होता है, जैसे कि हम लोग के देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ हैं, और जब वो अपना स्थान पर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, तब पूरा पाक साफ हो के जाने का काम करते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में चाहे कितना भी महंगा वो जूता चप्पल पहने हो, वो बाहर निकाल देते हैं। उसी तरह हमको लगा कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ता है, उसका क्षेत्र, उसका स्थान है, वो देवी स्थल है, जब वो चुनाव का घोषणा हो जाता है तो उसके लिए वो पवित्र धरती हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में पवित्र धरती पर हम चप्पल पहन के जाए, ये कहीं से नाइंसाफी लगता है। तो मैंने संकल्प लिया कि जब से सूचना जारी हुआ, अधिसूचना जारी हुआ, तब से मैंने चप्पल जूता त्याग दिया, और मैंने पूरे विधानसभा के, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसको एक राउंड मैंने बिना चप्पल जूता के मैंने कवर कर चुका हूँ। दूसरा राउंड में मैं ढूंक चुका हूँ नॉमिनेशन के बाद से। और मैंने इसलिए, और एक बात यहाँ पर आती है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे पार्टी के लोग हैं कि वो उसका तनख्वाह है लगभग 1.5 लाख रुपया पेंशन मिलता है, 1.25 लाख रुपया पेंशन मिलता है, और उसका नेता हवाई चप्पल पर चलता है, कहता है कि हम गरीब को नेता है, बाकी जब उस दिन हवाई चप्पल छोड़ देंगे कि हवाई चप्पल का दाम 3,000-4,000 रुपया है, 5,000-5,000 रुपया भी है, बाकी देखावे के लिए कहते हैं कि हम गरीब बैठ जाते हैं तो बढ़िया सैंडल पहन के चलने का काम करते हैं। बाकी वैसे स्थिति में मैंने सोचा कि तन गरीब व्यक्ति जो घर खेत जोतता है, जब खेती करता है कोई व्यक्ति तो हल चलाता है, तो उस समय तो जूता मोजा नहीं पहनता है, तो उस परिस्थिति में कितना उसको कष्ट हुआ होगा, वो कैसे अनुभव होगा, जब जनप्रतिनिधि कोई उतना कष्ट में जाएगा, जब वो चुनाव जीत के जाएगा कोई इतना कष्ट झेलते झेलते, और जब वहाँ सदन में जाएगा तो उसको दिन याद होगा कि
खाली पैर वाले व्यक्ति का क्या डिमांड होना चाहिए, क्या उसका हक हिस्सा होना चाहिए, वो निश्चित तौर पर पहुंचाना चाहिए। इसीलिए मैंने संकल्प लिया कि मैं खाली पैर जाकर कम से अनुभव तो करूं, एहसास तो करूं कि कितना दर्द होता है खाली पैर चलने में किसान का। ठीक है, आप जनता के बीच जा रहे हैं, ये तमाम मुद्दे लेकर आप जाते होंगे कि हम ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, आखिर जनता से क्या, किस तरह के मुद्दे को लेकर जाते हैं जनता के बीच? देखिए, हम जनता के लिए कोई मुद्दा लेकर नहीं जाते हैं। हम जनता के सामने स्पष्ट शब्द कहते हैं कि मैं जितना मैं हूँ समाज के काम है। अभी तो मैं कोई माननीय सदस्य नहीं हूँ, किसी सदन का मेंबर नहीं हूँ, तो मैं विकास कैसे कर सकता हूँ? बाकी सामाजिक स्तर पर जितना काम है, ए से लेकर जेड तक ले काम को मैं हर संभव जितना दिन तक ले समाज के छात्र जीवन से लेकर अभी तक ले, कोई भी साथी आया है, कोई भी व्यक्ति आया है, किसी भी धर्म का व्यक्ति आया है, उसको मैंने सेवा करने का मौका काम किया हूँ और उसको मदद करने का काम किया हूँ। और जो व्यक्ति बिहार में जो काम नहीं किया, मैंने राजेंद्र बाबू मौलाना साहब के धरती पर मैंने वो काम शुरू करने का काम किया। वो कौन ऐसा काम है कि जाके जिसका कोई वारिस नहीं होता है? आज जिसको हम संपन्न है तो हमको 50 लोग मदद करने वाले मिलेंगे। हाँ, अगर मेरी घटना घट जाए तो 50 आदमी जयकार मनाने लगेंगे, लेके अर्थी लेके चलने लगेंगे। बाकी जो व्यक्ति लावारिस होते हैं, जिसका कोई वारिस नहीं होता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा, उसको कोई नहीं पूछता था, तो श्रीनिवास यादव ने संकल्प लिया सिवान जिला में कि मैं जिस धर्म से होगा उस धर्म से उसका अंतिम दाह संस्कार माटी में जल करने का काम करूँगा। और ये भी मैंने संकल्प लिया कि सिवान में सदर अस्पताल में दो तरह की व्यवस्था थी, VIP लोगों के लिए उसका 100 का पोस्टमार्टम होता था तो उसको सरकार की ओर से कफन दिया जाता था सिविल सर्जन के लिए, और गरीब आदमी को किसी तरह का सुविधा नहीं दिया जाता था। तो मैंने समाप्त किया उस सिस्टम को और मैंने सभी व्यक्ति को लागू किया कि कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति होगा, अगर पिछड़ा होगा, चाहे लावारिस होगा, चाहे वारिस होगा, अगर वो व्यक्ति का 100 का परीक्षण सदर अस्पताल में जाएगा तो उसका अंतिम जो कपड़ा होता है उसको कफन में लपेट के प्लास्टिक में पैक करा के उसके घर भिजवाने का काम करता हूँ। ये तो काम आप विधायक न भी रहकर किए हैं, इसीलिए शायद आपको जिला प्रशासन के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो विधायक बनने का कि मतलब विधायक ही बनकर ये काम करिएगा कि विधायक नहीं रहने पर भी इस तरह का काम करिएगा? देखिए, हम तो आज 90 से ये काम कर रहे हैं। जब छात्र जीवन में थे उस समय से मैंने समाज के काम किया हूँ। मैं कल भी कहता हूँ कि कल 3 तारीख को चुनाव समाप्त हो जाएगा, कौन व्यक्ति चुनाव 1500 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, कौन व्यक्ति इस मैदान में रहेगा 3 तारीख के बाद, ये तो सब लोग जानते हैं। बाकी श्रीनिवास यादव 3 के बाद 4 के बाद फिर इनका रूटीन चालू हो जाएगा। जिस तरह 5 साल पहले भी मीटिंग गाँव गाई करते थे, लोगों को जगाने का काम करते थे, उसी तरह चुनाव के बाद ही मैं जगाने का काम करूँगा, लोगों को हक हिस्सा दिलवाने का काम करूँगा। आप मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार जीरादेई विधानसभा में किसी भी गठबंधन का चाल नहीं चलेगा, किसी का सौदाबाजी नहीं चलेगा। इस बार जनता मूड बना चुकी है कि अब इस बार जीरादेई विधानसभा में लोग किसी उसी व्यक्ति को वोट देंगे, उसी व्यक्ति को मतदान देंगे जो हमारा दुख सुख का साथी रहेगा। जितने भी प्रत्याशी विधानसभा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं वो जनता से बहुत सारे वादे करते हैं, उस वादे पर खड़े नहीं उतरते हैं, आप भी वादा कर रहे हैं, कितना खड़ा उतरिएगा उस वादे? देखिए, हम वादा पहले भी करे कि मैं वादा नहीं करता हूँ, मैं मदद करता हूँ। मैं तो पूरे जीरादेई जनता से आप पूछ लीजिए, सिवान जिला से पूछ लीजिए कि जो साथी मुझे कॉल किया या नहीं कॉल किया, मुझे जानकारी हुआ, मैं उसको मदद किया कि नहीं किया, ये तो आम पब्लिक बता सकता है और उसका प्रमाण हमको मिला है। आज तक ले कोई व्यक्ति बता दे कि कभी कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा किसी को सम्मान नहीं दिया गया, तो श्रीनिवास यादव पहला व्यक्ति है सिवान जिला में उसको सम्मान मिला, कलेक्टर ने सम्मान दिया, बिहार सरकार ने सम्मान दिया। अब जनता को सम्मान देना है, अब जनता को सर्टिफिकेट देना है कि श्रीनिवास यादव सही समाज के सेवक है कि गलत समाज के सेवक है। अगर सही समाज के सेवक होंगे तो जिस तरह मैंने बिहार सिवान जिला में काम करता हूँ, उस तरह मैं निश्चित तौर पर पूरे बिहार में इस तरह का काम फैलाने का काम करूँगा, लोगों को जोड़ने का काम करूँगा कि ताकि आने वाले दिन में एक इतिहास कायम होगा कि समाज में काम करने वाला व्यक्ति जब MLA बन सकता है तो समाज में काम करके हम वार्ड भी बन सकते हैं,
BDC भी बन सकते हैं, मुखिया भी बन सकते हैं, जिला परिषद भी बन सकते हैं, MP भी बन सकते हैं, और इसका निश्चित तौर पर जीरादेई विधानसभा से, इसलिए कि राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना साहब की धरती है, इससे निश्चित तौर पर इतिहास कायम होता है। जब जब सन बराबर होता है, 1990 में भी परिवर्तन हुआ था और फिर सन 2020 में अब परिवर्तन के लहर चढ़ चुका है। इसका परिणाम है, ये हमारे पहले एक दल का नामिनेशन हो गया था, कागज में त्रुटि था, प्रशासन वेट कर रही थी उसका आएगा तो एक नंबर में रखेंगे, बाकी उसका संजोग खराब था। हमने नामिनेशन में सेकंड दिन में पहुंचा 14 तारीख को, और मेरा एक नंबर में नामिनेशन हो गया और उसका दो नंबर में नामिनेशन हो गया। उसी दिन सारे लोग कह दिए कि सिन्हा जी निश्चित तौर पर आप चुनाव जीतेगा, आपको चुनाव जीतने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है। ठीक है, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, तो यहाँ पे जब आपको यहाँ की जनता विधायक बना देगी तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? पहला ऐसा कौन सा काम होगा जहाँ जीआरडी के लिए एक संदेश जाएगा पूरे बिहार? देखिए, मेरा पहला काम यही होगा कि पूरे विश्व कितना अमीर लोग है, अरबपति है, खरबपति है, वन टेंट सब सिस्टम पर है, बाकी जब कोरोना जैसे महामारी चला तो उसको पूरा घर द्वार सब खाली लगा, हॉस्पिटल ही उसका वार हुआ। मैं निश्चित तौर पर चुनाव जीतूंगा तो जीरादेई विधानसभा के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, जितना हॉस्पिटल मृत पड़ा हुआ है जिसमें डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, दवा नहीं है, उसका पंचायत स्तर पर मैं अपने मत से, सरकार दे या ना दे, जो विधायक का फंड मिलता है उसमें उसका अधिकार रहता है, विशेषाधिकार है, उस मत को किसी काम में खर्चा कर सकता है, उसमें से मैं जीरादेई विधानसभा के 33 पंचायत एक नगर क्षेत्र में मैं पहला प्राथमिकता होगा कि उसको सुदृढ़ करूँगा, और प्रत्येक PSC पर मैं डॉक्टर बैठवाने का काम करूँगा। तो ये हमारे साथ थे श्रीनिवास यादव, और इन्होंने लगातार जीरादेई विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, और इन्होंने साफ तौर पे इन्होंने कह दिया कि हम खाली पैर इसलिए जा रहे हैं, हमारी मन्नत है, और इस मन्नत को लेकर हर लोग मंदिर में जाते हैं, वही सेम प्रक्रिया को लेकर हम अपने जनता के बीच जा रहे हैं। जनता मेरे लिए भगवान है, और जनता जिस दिन हमें इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाएगी उसके बाद से यहाँ पे जो कार्य होगा, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से जो कार्य होगा वो पूरे बिहार में एक संदेश जाएगा। अब ये आने वाला समय बताएगा, वक्त बताएगा कि जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से विधायक कौन बनता है।